हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का बेसलाइन टेस्ट 2021। चलिए इस टेस्ट को हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपको दो पार्ट दिए गए हैं, जिसमें पहले पार्ट ए में हम देखते हैं डू एज डायरेक्टेड। पहला प्रश्न में आपको देखना है यहाँ पर आइडेंटिफाई नाउन, नाउन को आपको पहचानना है जो कि डेविड है। दूसरे में गर्ल, ये नाउन फॉर्म है, ये आपको पहचानना है। थर्ड में आइडेंटिफाइड एडजेक्टिव, आपको एडजेक्टिव का यहाँ पर फाइंड आउट करना है जो कि इंटेलिजेंट है। नेक्स्ट में काइंड है। आइडेंटिफाई प्रोनाउन, आपको प्रोनाउन को यहाँ आइडेंटिफाई करना है, यूअर, और एफ नंबर में है वी। सेकंड में मैच द फॉलोइंग करना है, डॉग, पपी, कैट, किटन, काऊ, काफ। थर्ड क्वेश्चन इज राइट द एंटोनिम, आपको यहाँ विलोम शब्द लिखना है, रिच का पुअर, ब्यूटीफुल का अगली, गुड का बैड, स्लो का फास्ट। नाउ फोर्थ नंबर, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में आपको बनाना है। मेरा नाम मोहन है, माय नेम इज मोहन। उसके दो भाई है, ही हैज़ टू ब्रदर्स। हमारे पिताजी एक शिक्षक है, माय फादर इज अ टीचर। फिफ्थ नंबर में आपको पुनः डू एज डायरेक्टेड करना है, राइट द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग, आपको कंपेरेटिव डिग्री बताना है, बैड, वर्स, वाइस, वाइजर, हैप्पी, हैप्पियर, यूजफुल, मोर यूजफुल। सेकेंड नंबर में चूज द करेक्ट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक, आपको सही शब्द यहाँ चुनना है। आई हैव रिटन एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, PRINCIPAL। नेक्स्ट इज माई ब्रदर वेंट टू मार्केट टू बाय राइस, RICE। सिक्स नंबर, यहाँ से आपका सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है, पंक्चुएट एंड करेक्ट द फॉलोइंग, यहाँ पर आपको विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। जैसे रमेश में आर कैपिटल लिखना है, हैज़ नॉट बॉट अ पेन, पेन यहाँ पर स्मॉल में पी करना है, फॉर मी, और लास्ट में फुल स्टॉप करना है। सेकंड, सुनील में एस कैपिटल रहेगा, कॉमा, अंकिता में ए कैपिटल, फिर कॉमा लगाना है, और मोहित में एम कैपिटल रहेगा। हैव गोन टू डेली, डेली में डी कैपिटल रहेगा, और लास्ट में फुल स्टॉप। सेवन नंबर, पिक द ऑड वन आउट, यहाँ पर आपको विषम शब्द उठाना है, बेस्ट, वर्स्ट, मोस्ट इंटेलिजेंट, टॉलर, टॉलर यहाँ पर अलग शब्द है। मंडे, जनवरी, सितंबर, मई, यहाँ पर मंडे अलग शब्द है, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, इटली, इटली यहाँ पर अलग शब्द है, नेव्यू, नीस, कज़न, डॉक्टर, डॉक्टर यहाँ पर अलग शब्द है। एट नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स करना है, करेक्ट अल्टरनेटिव, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, टेक अन अम्ब्रेला, यहाँ पर अन का प्रयोग करना है, आई फॉरगॉट टू रिटर्न योर बुक यस्टरडे, यहाँ पर यस्टरडे लिखना है, आई बॉट ब्लैंक मैंगोज फ्रॉम द मार्केट, यहाँ पर सम का प्रयोग करना है, दिस बुक इज ब्लैंक द टेबल, यहाँ पर ऑन का प्रयोग करना है। नाइन नंबर में आपको एक अनसीन पैसेज दिया गया है, जिसको पढ़कर आपको नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसके आंसर यहाँ देना है। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वॉट डू आवर फ्रेंड डू फॉर अस, इसका आंसर आपको पहली लाइन में मिल जाएगा, आवर फ्रेंड चूज हेल्प सपोर्ट एंड अंडरस्टैंड अस, यहाँ तक आपको लिखना है। सेकेंड में हु हेल्प अस, सेकेंड का आंसर भी हमें नेक्स्ट लाइन में मिल जाएगा, आवर फ्रेंड हेल्प अस। थर्ड, व्हेन डू आवर वरीज गो अवे, ये भी आंसर आपको सेकेंड लाइन के लास्ट में मिलेगा, इफ वी टॉक टू आवर फ्रेंड आवर वरीज गो अवे। फोर्थ, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का नाउन फॉर्म है ऑनेस्टी। गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज, आपको यहाँ पर टाइटल बताना है जो कि फ्रेंडशिप हम कह सकते हैं। टेंथ क्वेश्चन में राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल योर स्कूल फॉर टू डेज सिक लीव, यहाँ पर आपको दो दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना है, जो हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माई कंट्री, ये भी हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, कंट्री के ऊपर आपको, अपने देश के ऊपर आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। तो इस प्रकार आप अच्छे नंबर पा सकते हो। तो ये था हमारा बेसलाइन टेस्ट कक्षा 10वीं का। अगली बार कोई नई चीज़ लेकर हम प्रस्तुत होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।